अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MH किचन्स। आज हम आपके साथ मोती पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। पहले हम इसके मोती तैयार करेंगे, जिसके लिए कीमा लिया है हमने आधा किलो, नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, जायफल लेंगे 1/4 टीस्पून, जावित्री लेंगे 1/4 टीस्पून, हरी इलायची का पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, प्याज लेंगे एक बड़े साइज का, इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और इसका पानी खुशक कर लिया। हरी मिर्चें लेंगे 2 हरी मिर्चें ली और इन्हें चॉप कर लिया। लहसुन अदरक की पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम कीमे में मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जायफल 1/4 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून, हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक की पेस्ट, प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसके मोती तैयार करेंगे। हाथों पे ऑयल लगाएंगे और कीमा लेंगे और इसको मोती की शेप दे देंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। मोती हमारे तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में ऑयल लिया। अब हम इसमें ये मोती डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। मोती हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई हो गए हैं। अब हम चावलों की तैयारी करेंगे। चावल लिए हमने 5 कप, जिसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया। प्याज लिए 2 मीडियम साइज के, जिन्हें स्लाइस में काट लिया। 3 टमाटर लिए, इन्हें भी काट लिया। लहसुन अदरक की पेस्ट ली 1 टेबलस्पून, 3 साबुत हरी मिर्चें ली, नमक लिया 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ली, 1 टीस्पून चिली पाउडर लिया, 2 टेबलस्पून साबुत गरम मसाले लिए, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया। 5 कप हमने चावल लिए, 7.5 कप हमने पानी लिया। हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाल के ऑयल गर्म होने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दिया। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे ढक देंगे ताकि प्याज का कलर निकल आए। साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। अब हम नई मिर्चें भी डाल देंगे, साथ ही नमक डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 प्याली दही डाल देंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसकी भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल के मजीद 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इसमें 3 हरी मिर्चें डाल देंगे और पानी को पकने देंगे।
पानी पकने लग गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब हम चावलों में चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद अब हम फ्लेम को तेज कर देंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसे लो फ्लेम करके 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तैयार है हमारा मोती पुलाव, अब हम इसे डिश आउट करेंगे।